दोस्तों ये देखो गुड बॉयज के लिए क्या खाना है। एयर इंडिया आया है, रॉयल कनाइन आया है। ये रहा रॉयल कनाइन। बॉस को बिल्ली दिख गई भाई। अरे होए, आज तो आमने सामने दिखी। ये गोस्टू है, ये मैं हूँ और ये मेरा मत्तू है, और हम देख रहे हैं हिमालय में कहीं खड़े हैं। हाँ जी, सो वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों अभी मैं हूँ हल्द्वानी में, और आप सोच रहे हो कि हल्द्वानी कब पहुंचे भैया, बताया नहीं। बताऊंगा, उसके लिए आपको ये वीडियो देखना थोड़ा जरूरी है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम हल्द्वानी कैसे पहुंचे। पर फिलहाल इस वीडियो की शुरुआत हो रही है दिन से, और दिन में हम गए हैं एक साइट पे जहाँ पे हमें करना है ड्रोन सर्वे। अब मैंने सोचा कि यार मौसम बड़ा सुहाना है, ड्रोन हम आसमान में तो लेके जा ही रहे हैं सर्वे करने के लिए, तो क्यों ना आपको ड्रोन शॉट दिखाई जाए। चेक करें आप। ये हमारी साइट है, ये पुराना घर है, इसके ऊपर हम नया घर बना रहे हैं। और देखो मौसम तो अच्छा हो गया है। पहाड़ों में दोस्तों यही मजे हैं। देखो अभी जून आ गया है और हमने जैकेट पहनी है। भाई साहब ऐसी कॉम्प्लिकेशन आई है यहाँ पे कि हमारी स्टे के सहारे वहाँ पे हैंडपम्प है, और इसकी पाइप जो है कितना 20-25 फीट निकलती है, तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा छेद दिया है जिससे हमारी पाइप निकल सकती है, पर हमारा बिल्डिंग का पार्ट इसके ऊपर आ रहा है। खेल के भाई ऐसा पेल रहा है इसको बच्चा यार। छोटू पेल दे, पोत दे से। अगर इसके घर वाले देख रहे, देख लो भाई ये साइड पे क्या करता है, बच्चों से हारता है ये। दोस्तों काम खत्म, साइड का काम फिनिश्ड, और हम जा रहे हैं वापस ऑफिस। काफी सारा काम है आज, बच्चों की ग्रूमिंग भी करनी है हमने, कंगी वंगी करनी है उनको, क्योंकि मेरे को फिर अब हल्द्वानी भी जाना है, तो जाने से पहले बस बढ़िया से ग्रूमिंग वगैरह हो जाएगी ना, तो सही हो जाएगा। बाकी दिन देखो ना क्या सुहाना दिन हो गया यार। दोस्तों ड्रोन उड़ा के हम वापस आ गए, और जब हम ऑफिस पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पे आए हैं 2-3-4 बड़े 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 पार्सल्स, जिसमें आया था बहुत सारा गुड बॉयज का खाना। आपको तो पता है ना, आपका भाई गुड बॉयज के लिए बहुत सारा खाना मंगाता है हर महीने उनको खिलाने के लिए। जो खाना आया ना वो आया बड़ा कुछ स्पेशल, आप देखें जरा। दोस्तों गुड इवनिंग। ये देखो दोस्तों, ये ना हमारे गुड बॉयज के लिए खाना आया था, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या आया है। इस बार हमें ना बड़ी अच्छी डील मिल गई। एक्चुअली हम लोग गुड बॉयज के लिए यूजुअली ना चापी मंगाते हैं, एक उस तेल नहीं है, तो बेसिकली चापी थोड़ा सस्ता पड़ता है, तो इसलिए हम चापी मंगाते हैं। कम पैसों में हम ज़ारा डॉग्स को खिला पाते हैं, तो एक्चुअली जितने डॉग्स को हम फीड कर रहे हैं ना, अप्रॉक्सीमेटली 150 डॉग्स पर डे के आसपास फीड तो हम कर ही रहे हैं। और मैं अगेन ये बात हमेशा बोलता हूँ कि भाई मैं अपने हाथों से खाना नहीं खिलाता हूँ, मेरे पर जेन्युइनली मेरे को टाइम नहीं मिलता भाई, तो मैं जो है शुक्ति दी को सारा खाना दे देता हूँ। प्लस 2-3 डॉग फीडर्स और भी हैं पिथौरागढ़ में, वो भी ले जाती हैं मेरे से खाना, वो तभी ले जाते हैं जब उनको ज़रूरत होता है। शुक्ति दी को मेजरली मैं देता हूँ ये, तो बेसिकली ये जो है ना दोस्तों बस तेरी, सो ये चापी है, और ये थोड़ा सस्ता डॉग फूड है, पर जो हमारे गुड बॉयज है भाई उनके लिए बहुत बढ़िया, उनका पेट भर जाता है। पर इस बार हमारे हाथ लगी है लॉटरी। लॉटरी क्या है आपको दिखाते हैं। ले मैक्स, अभी खाना चाहिए उसको। क्या है चूना लेने नहीं आया है बाबू, इसमें है लॉटरी वाला खाना। दोस्तों ये देखो गुड बॉयज के लिए क्या खाना है भाई साहब। एयर इंडिया है भाई, एयर इंडिया आया है, रॉयल कनाइन आया है। ये रहा रॉयल कनाइन। अब आप सोचोगे कि आपको भैया अभी तो आप कह रहे थे यार ये महंगा है, वो सस्ता है, फिर आपने यूं मंगा लिया। दोस्तों इस खाने की ना पैकेजिंग में थोड़ा इशू था, तो ये मेरे को 50% सस्ते में मिल गया। बेसिकली हेड्स अप फॉर टेस्ट में ना एक राकेश भाई है हमारे, जब मक्कू बीमार था ना, मक्कू के लिए जो खाना वगैरह भी लेके आते दवाइयां, तो भाई उसने बोला कि सर देखो ऐसा है ये खाने में थोड़ा इशू है, तो एक काम करते हैं कि इस खाने के आधे पैसे मैं दे देता हूँ, आधे पैसे आप दे दो, तो मेरी तरफ से गुड बॉयज के लिए हो जाएगा। मैंने कहा भाई ऐसी नेकी और पूछ, तो राकेश भाई थैंक यू सो मच। राकेश भाई का नंबर भी दे रहा हूँ मैं, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। हेड्स अप फॉर टेल्स में है, कोई भी आपको खाना मंगाना हो, टॉय मंगाना हो, उनको एक बार रिंग कर लेना, ठीक है, वो आपको एक डील दे सकते हैं, आपको हो सकता है चीजें थोड़ी सस्ती मिल जाए, और अच्छी क्वालिटी की चीज आपको रिकमेंड भी कर सकते हैं। कोई पेड प्रमोशन नहीं है भाई, बंदा इतना अच्छा है, कई सालों से भाई उनसे ही खाना मंगा रहा हूँ, बहुत अच्छा रिलेशन बन चुका है। एंड अभी देखो ना इतने सारे खाना, इतना महंगा खाना है ये, तो 50% उन्होंने पे कर दिया, तो काफी सॉर्टेड हो गया। ये स्टिल चापी से महंगा पड़ा है, बट क्वालिटी भी तो मिल गई ना, तो चलो अब जिन गुड बॉयज की किस्मत होगी वो खा लेंगे। देखो सारा भाई तगड़ा खाना, और कभी अपना शेल्टर बन जाएगा तो फिर गुड बॉयज का भी केबल बंद कर देंगे। अभी आपको पूरा खाना दिखाता हूँ मैं कितना है भाई साहब, तगड़ा ही है। अच्छा क्या हुआ लबो? हाँ डर लगा, किस चीज़ से डर लगा बाबू? मेरे को तो लगा तो पेटी फाड़ने में इंटरेस्टेड होगा, तो डर रहा है यार। अकाना भी आया हुआ है भाई, लॉटरी लग गई भाई, लॉटरी, बच्चों की तो लॉटरी लग गई हमारे। मेरे को ना एक बात
मतलब मेरे दादाजी कहा करते थे कि वही नेकी करो और कुएं में डाल दो। तो मेरे को लगता है अरे जो भी मैं कर रहा हूँ तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, तो मैं क्यों दिखाऊँ क्या दिखाऊँ, मतलब समझ भी नहीं आता। तो मुझे कई सारे लोग बोलते हैं भैया इतना अच्छा कॉन्टेंट है आपको डालना चाहिए, लेकिन दिल सही नहीं करता यार, समझ ही नहीं आता क्यों। पर हाँ जब शेल्टर बनेगा तब मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि शेल्टर में तो कहानियाँ होंगी ना, उसमें अलग अलग डॉग्स रहेंगे, उनकी अपनी अपनी कहानियाँ होंगी, उनकी अपनी ज़िंदगी होगी, उनसे मेरी दोस्ती होगी। क्या हुआ दोस्त को पसंद नहीं आ रही आवाज़ें? दोस्त रुकिए यार सेल्फिश मत बन। बाय द वे उसको देखो लग गया काम पे शैतान। दोस्तों पूरा दिन बीत चुका है और अब रात में आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि गोस्टू को आपको तो पता ही है ना बिल्ली कितनी पसंद है, वो बिल्ली से कुछ ज़्यादा ही प्यार करता है, कुछ ज़्यादा ही, जिसको पता है उसको पता है कुछ ज़्यादा ही। और सोचो वैसे तो गोस्टू को बिल्ली ऊपर से देखता है, वो ऑफिस से नीचे, गोस्टू को कितने मज़े आए होंगे जब उसको ना सुसु कराते हुए जब मैं ले गया उसको बिल्ली दिख गई भाई। हाँ जी बच्चों को सीधे सुसु पोटी कराने के लिए बाहर ले आया, मैं कैफे से ना आता था थोड़ा लेट हो गया था तो फिर बारिश हो गई, अब आराम से हमको सुसु पोटी करा सकते हैं। ओए शटर पे सुसु कर रहा है शैतान। गोस्ट को बिल्ली दिख गई भाई, ओए होए आज तो आमने सामने दिख गई, वो देना सुसु कर रहा है भाई, 10 मिनट तो सुसु करता है यार, गजब है इसका देखना। ओले गोस्टू काश तू बिल्ली को प्यार करता, बिल्ली को इतना डर लग रहा होगा इस समय पे बेचारी बिल्ली, मतलब अगर गोस्टू छूट गया तो बिल्ली की जान भी जा सकती है, ऐसा मैं खैर होने नहीं दूंगा कभी भी जिंदगी में। अभी भी सुसु कर रहा है भाई साहब, भाई ये ना ऐसा करता है लंबी लंबी सुसु, पता है 10-10 मिनट लंबी सुसु, पूरी गंगा बहा देता है भाई ये। चलो बिल्ली को बहुत डरा दिया बेटू, चलो चलो हो गया अच्छा। अभी भी सुसु चल रही है ना, सुसु अभी भी सुसु हो ही रही है, हल्की 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 हल्की, तू कर सुसु कर ले। ओए चल चल सही है ना, ये पानी बहुत पीता है, अच्छी बात है इसकी, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों ने करे कि भैया यार ऑफिस में क्या बना क्या रहे हो, दिखाओ तो सही। तो हम लोग ना वेट कर रहे थे कि यार वो पूरा हो जाए तो फिर आपको दिखाऊं, तो फिर आपको भी अच्छा लगेगा ना, और खैर वो अभी पूरा हो चुका है जो भी हम करा रहे हैं, तो आपके लिए एक छोटा सा ऑफिस टूर हाजिर है। दोस्तों हमारा ऑफिस जो आपने बहुत सारा फैला हुआ देखा था, ये देखिए आई प्रेजेंट टू यू आवर नीट एंड क्लीन ऑफिस, एकदम साफ सुथरा, सब सामान स्टोर में जा चुका है और कितना बढ़िया हो चुका है। देखो यहाँ पे हमारी पूरी टीम बैठती है, एक जना यहाँ बैठता है और एक जना अभी यहाँ बैठेगा, ये स्क्रीन हमने ये दो है ना स्क्रीन, तो दिव्यांश यहाँ बैठेगा, यहाँ पे दूसरा बंदा बैठेगा, ये हमारा सर्वर कंप्यूटर है, यहाँ पे टेबल आ जाएगी। अभी वी आर प्लानिंग टू हायर मोर पीपल डेफिनेटली फॉर आर्किटेक्चर, यूट्यूब के लिए दिव्यांश एंड हमारी टीम परफेक्ट है, काम चल रहा है बढ़िया। एंड दीज आर ऑल आवर प्रोजेक्ट्स जो कि अभी चल रहे हैं, 42 प्रोजेक्ट्स अभी हमारे रनिंग है एंड अभी 3-4 प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है। सो टच वुड बाबा की कृपा से बहुत जल्दी 50 प्रोजेक्ट्स का एक वो बेंचमार्क टच करेंगे, विच विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर मी, मतलब मैं कभी सपने भी नहीं सोच सकता था। डेफिनेटली यार 10 साल से हम काम कर रहे हैं, कभी कभी सिर्फ एक प्रोजेक्ट एक साल का भी किया है, सो वी आर वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आओ अब आपको अपना स्टोर रूम दिखाते हैं। दोस्तों ये है हमारा स्टोर रूम, अरे हमारे स्टोर रूम में क्या है, स्टोर रूम में गोस्टू है, मत्तू भी है, ओले ओले इतना प्यार कैसे आ गया भाई, इतना प्यार कैसे आ गया। ओके खुशी बहुत हो रही है आई नो। तो दोस्तों ये हमारा स्टोर रूम है और बेसिकली हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी, बस बहुत मस्ती हो रही। सो ये हमारा जो स्टोर रूम है ना, बेसिकली आप जैसे देख सकते हो कि सारा हमारा सामान है, ये हमारी जैसे वीडियो शूट करने की लाइट है, इसका सॉफ्ट बॉक्स है, ट्राइपॉड्स हैं, माइक के स्टैंड्स हैं, ये सारी दोस्तों हमारी कैटलॉग्स हैं, जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं ना घरों में, तो उसके सारे सैंपल्स ये सब चीज़ें इसमें हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जब क्लाइंट्स आते हैं तो इन्हीं पे घंटों तक डिस्कशन होता है। देन ये कुछ एक्स्ट्रा सामान था, ये डॉग कैच करने के लिए एक फीडर है उन्होंने मंगाया है, काफ़ी हैवी काफ़ी महंगा भी आता है, ये सब चीज़ें हैं देख रहे हो आप, ये मक्कू गोस्टू के लिए बहुत सारा सामान भी आता रहता है। ये आई एक पेंटिंग आई थी, पहले आई थी काफ़ी, ये तो बहुत पहले की है, मैंने एक रील भी बनाई थी, तो ये है। देन हमारी फाइल्स हैं, उन फाइल्स के लिए हमने ये अलमारी बनाई है, यहाँ पे भी हमने सेट नहीं करी है सारी फाइल्स, पर पूरी भर जाएगी, सारे प्रोजेक्ट्स की फाइल्स हैं। ये दो इन्वर्टर्स हैं, इस इन्वर्टर की खासियत ये है कि इसका बैकअप 5-6 घंटे का है, अगर मैं अपने पीसी पर जो दूंगा बैकअप, तो कल के दिन मैं कभी रेंडरिंग पे लगाता हूँ या वीडियो एडिट करता हूँ, लाइट चली भी जाए तो भी इशू नहीं होगा। एंड ये दूसरा इन्वर्टर है, ये इनकी बैटरी से, इनको भी यहाँ शिफ्ट करना है इसलिए, वो देखो इनकी मस्ती देखो, तो भाई बाहर जा, बेसिकली इनको अंदर शिफ्ट इसलिए गया है ना,
क्योंकि एक मिनट रुको, दो मिनट, क्योंकि ये बहुत शोर करता है, इन्वर्टर और फैन है, तो जब वीडियो शूट करते हैं ना तो और वीडियो में ना आवाज आती है, तो इसलिए इन्हें यहाँ शिफ्ट कर दिया। सो ये हमारा छोटा सा स्टोर, और इसकी वजह से हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ऑफिस एकदम खाली हो चुका है। अब हम वहाँ से यहाँ भी सामान रख सकते हैं, यहाँ से सामान वहाँ भी रख सकते हैं, जैसे एक्स्ट्रा चेयर्स भी हैं, कभी क्लाइंट ज्यादा जाते हैं, जब ज्यादा जाते हैं तो चेयर्स यहाँ से लेके चले गए, तो इस तरह का फायदा होगा। दोस्तों ये जो ग्राफिटी है ना, ये दुनिया में मेरी सबसे फेवरेट ग्राफिटी है, ये गोस्टू है, ये मैं हूँ और ये मेरा मत्तू है, और हम देख रहे हैं हिमालय में कहीं खड़े हैं, एंड दिस मेक्स मी सो इमोशनल। जब ये बन रही थी ना, मक्कू साथ में ही था, एंड मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है हिमांशु, किक ऐस ग्राफिटी आर्टिस्ट है, उसका नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये सारे मेरे टैटू उसने बनाए हैं, ऑलमोस्ट 20+ टैटूज हैं मेरी बॉडी में, सब उसने बनाए हैं, ये उसी ने डिज़ाइन करी है सारा, सब उसने ही किया है, एंड दिस इज़ लाइक वेरी इमोशनल फॉर मी। ये तो मैं कभी भी नहीं बदलना चाहूँगा ऑफिस में से, और चाहता हूँ मैं कभी हम जाएँ ऐसी जगह पे, मत्तू जूनियर होगा अब यहाँ खड़ा, मैं क्या पता कभी इतना जिंदगी में पतला हो जाऊँ, और गोस्टू तो रहेगा ही। तो ठीक है दोस्तों, चलो अब चलते हैं उधर। इस दिन की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है, कल हम जा रहे हैं हल्द्वानी, और हल्द्वानी के वीडियो की कहानी आपको अलग से सुनाई जाएगी, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ हल्द्वानी में होने वाला है। हम सौरभ के नए घर के लिए जाने वाले हैं, और हमारा जो ड्रीम हाउस हमने बनाया था उसका भूमि पूजन होना है, साथ में और भी चीज़ें होनी है, वो आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी। फिलहाल इस वीडियो को ही एंड करते हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कॉमेंट सेक्शन में अपना प्यार भी दे सकते हो, अगर आपको स्पेसिफिक अच्छे ब्लॉग्स चाहिए ना तो आप वो भी हमें बता सकते हो, हम उस पर भी हम काम कर सकते हैं। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, ओके बाय। तो हमने इन्वर्टर अंदर इसलिए शिफ्ट करे